अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। सो ये मैंने गुड़ ले लिया है, उसके बाद है ये राइस मैंने भिगो के रख दिए, साथ में सौंफ है। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। सो मैंने ये कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने पानी जो है मैयर करके डालना है। हमने मेरे पास 2 ग्लास चावल के थे, तो मैंने जो है 3.5 ग्लास पानी के डाले हैं। सो आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग जो डालेंगे। सो सबसे पहले हम इसमें गुड़ ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं, इतना काफी है इसके लिए। थोड़ा सा हमने साल्ट ऐड करना है, नमक, और उसके बाद हमने सौंफ ऐड कर देनी है, और साथ में हमने जो है छोटी इलायची, जिसको सब्ज इलायची बोलते हैं, वो ऐड कर देनी है, 2-4। ठीक है। सो इसको हमने बॉयल होने देना है। बॉयल होने 10 मिनट लग जाएंगे इसको बॉयल होते। पानी हमारा गर्म है, सो हमारा पानी 5 मिनट में ही गर्म हो जाएगा। सो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। सो 5 मिनट हो गए हैं, हमारा जो वाटर है जो बॉयल होना शुरू हो गया है। इसको हम प्लास्टिक के बर्तन में नहीं निकालना, आप छलनी से आपने इसको छान लेना है और इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है जी। देखने में कुछ हमारा वाटर इस तरह का नज़र आएगा। अब मैंने ये एक जो है वो बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने जो है ये छलनी रख ली है। छलनी में हमने इसको जो है क्या करना है, इसको छान लेना है। सो छान लेते हैं इसको। ऑलमोस्ट ये आपके चावल जो हैं, ये राइस हैं गुड़ वाले, ये आपके 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने घी डाल दिया है। ठीक है, आप जो है वो देसी घी में भी बना सकते हैं, और जो आपके पास ऑयल अवेलेबल है उसमें बना सकते हैं आप। इसमें डाल दिया है, ये फ्राई हो जाए पहले, सॉरी ये गर्म हो जाए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब आपने पानी भी आपका गर्म है तो आपने एहतियात से डालना है। ठीक है, ऑयल में हम सारा वाटर डाल देंगे। अब इसको पकने दें। जितनी देर हमारा वाटर बॉयल हो रहा है, सो मैं बादाम है कट कर लेती हूँ। अगर बादाम आपने बगैर छिलके के डालने हैं तो आपने क्या करना है, आपने पानी गर्म कर लेना है, उसमें आपने बादाम डाल देनी है। ठीक है, अगर छिलके समेत डालना चाहते हैं तो आपकी अपनी विश है वो। ठीक है, आप अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, आप हाथ में पकड़ के भी इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, और जो है ध्यान से आपने कट करना है। आपने अच्छे से कट कर लेने हैं। पानी गरम करें ओवन में, या फिर मैं कप में पानी गरम करती होती हूँ ओवन में, और मैं उसमें बादाम डाल देती हूँ, और 1 सेकंड से पहले ये छिलके इसके उतर जाते हैं। ये कोकोनट है, ठीक है, ये भी मैं इसमें डालूंगी। इसको भी आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। जितना का आपको पसंद है ड्राई फ्रूट आप उतना डाल लें, जो जो पसंद है। वैसे मोस्टली इसमें आलमंड, मैंने किशमिश डालूंगी, आलमंड डालूंगी, कोकोनट और साथ में बादाम। ठीक है, अगर आप कोकोनट को भिगो के रख देंगे तो ये इजीली कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितनी आसानी से कट रहा है।
अब देखिए आलमंड भी हमारा और कोकोनट भी हमारा कट चुका है, और इसमें जो है मैंने मेवा जार भिगो के रखे थे ये भी साफ हो चुके हैं, मैंने वॉश कर ली अच्छे से। अब मैं इसको इसी बाउल में डाल दूँ। हैंड मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, आपने भी वॉश कर लेने हैं, हाइजीन को मेंटेन रखना है। ये देखिए वाटर जो है हमारा बिल्कुल बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें राइस डाल देंगे। देखिए बिल्कुल आपने बाउल साफ कर लेना है, बिल्कुल भी राइस लगे नहीं होने चाहिए, बचने नहीं चाहिए और ख़राब भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से हला लें। इसमें मैं थोड़ी सी इलायची डाल दूंगी, सब्ज़ इलायची, वैसे हमने पहले भी डाली थी लेकिन अब भी डाल देंगे ताकि जो है वो एक मज़े का फ्लेवर आए। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप डालना चाहते हैं डाल लें, अदरवाइज रहने दें। अब हम सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसमें। आपको जितने ड्राई फ्रूट पसंद हैं आप उतने ही डालिएगा। देखिए जब आपका वाटर बॉयल हो जाए तो जो वो जो होता है गुड़ होता है हम मार्केट से लेके आते हैं, कुछ ज़्यादा मीठा होता है और कुछ कम, लेकिन हमारा घर का था तो ये ज़्यादा मीठा था। आपने इसका मीठा चेक कर लेना है, ठीक है, जैसे आप नमक चेक करते हैं ना ऐसे आपने मीठा चेक कर लेना है, अगर कम है तो आप इस स्टेज पे भी इसमें डाल सकते हैं। सो देखें जब इसमें इतना पानी रह जाए, ठीक है, हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। सो आपने फ्लेम को कर देना है लो, फ्लेम में लो कर रही हूँ, और इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो किसी कपड़े के साथ भी कवर कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे भी बन जाते हैं जी। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं हमारे राइस। जस्ट वाओ, बहुत ही मज़े के बने हैं, ये देखिए बिल्कुल यमी वाले और मज़े के बने हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, ये देखिए सारे हला लेते हैं पहले, उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए सेपरेट और मज़े के। ये देखें हमारे बहुत ही मज़े के यमी गुड़ वाले चावल रेडी हो चुके हैं। बनाएं, घर में खाएं, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज।